The another topic of follow-up is describe a foreign country or culture you want to know more about. And the first question is, what do you think is the best way to learn the foreign culture? There are many ways through which the people can learn about the new culture and country. I think the best method is visit the place and stay there for some time, but everyone does not afford it. So alternative way is the internet. हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने पैसे नहीं खर्च कर सकता कि वो उस जगह पर जाए और वहाँ की प्रैक्टिकल जो मेन नॉलेज है उसको कलेक्ट करे. सो इंटरनेट के थ्रू भी वो किया जा सकता है. नाउ डेज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एरिया इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो पीपल कैन विजिट द कंट्रीज ऑफिशियल साइट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर फ्रॉम इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू वर्क इन अ फॉरन कंट्री? I think the language is the biggest problem to work in a foreign country or nation. Another problem is the working environment and rules of the company because these are different from the native country. अगर एक इंसान दूसरी एक किसी कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट कर रहा है तो मेन जो उसका एनवायरमेंट है वर्किंग का वो चेंज हो जाता है, जो कंपनीज के रूल है वो भी चेंज हो जाते हैं, जिसको समझना उसके लिए बहुत डिफिकल्टी होती है. दूसरी है कि लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है तो उसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है. सो दी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो इंसान फेस करता है. सम पीपल से दैट द रीडिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट द कल्चर, डू यू एग्री? वेल आई थिंक द प्रैक्टिकल नॉलेज इज एसेंशियल देन थ्रेटिकल. आई मीन टू से द पर्सन गेट अ मोर इन्फॉर्मेशन वेन ही और शी विजिट द प्लेस, बट एज आई सेड एवरी वन कैनॉट अफोर्ड इट. सो फॉर दैट रीडिंग इज द बेस्ट वे टू गेट द इन्फॉर्मेशन. कई बार होता है कि लोग सिर्फ जा नहीं सकते वहां पे तो इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो रीडिंग एक अच्छी चीज बन जाती है उनके लिए, उसके थ्रू नई नई नॉलेज उसको मिल जाती है इंसान को. तो ये दूसरा तरीका ये भी होता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.